इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसे तो आप बखूबी जानते ही होंगे। जी हाँ, ये कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं और कई बार ये टीवी चैनलों पर बड़े बड़े इंटरव्यूज देते हुए भी दिखाई दिए। इनका नाम है हिमांशु मिश्रा। सोचिए किस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन गेम खेलने का प्रयास किया और उसमें 96 लाख का चूना लग गया। बात यहीं पर नहीं रुकती है, हिमांशु मिश्रा की कोई गलती नहीं, इसमें असली दोषी कौन है इस पर विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। हिमांशु थोड़ा सा रो के दिखाओ ना, चैनल का रीच ज्यादा बढ़ता है, चैनल वाले रुलाते हैं तो आखिरी में ऐसे हाथ रख दिए। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से इस देश में टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों की इस मिश्रा ने पोल पट्टी खोल दी। सोचिए बड़े बड़े एसी के चैम्बर में बैठकर लगातार ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के बारे में बात कर रहे तमाम गोदी एंकर, सोचिए किस तरीके से स्क्रिप्टेड वीडियो बना के जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। असल में वो तमाम एंकर्स जातिवादी भी हैं। जातिवादी क्यों हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहला सवाल तो खड़ा ये होता है कि हिमांशु मिश्रा को रातों रात स्टार बनाकर अपने चैनल की टीआरपी को आसमान पे पहुंचाने के लिए इस देश का टीवी अखबार में बैठे तमाम पत्रकार किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से जनता के जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और जहां पर टीआरपी बटोरनी हो वहां पर बढ़ चढ़कर आगे आकर गोदी मीडिया छाती पीटने लगता है। सोचिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव सर पर है और तमाम विकास पर बात करनी चाहिए, रोटी पर बात करनी चाहिए, रोजगार पर बात करनी चाहिए, तमाम राज्यों में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं, जाति उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, इन तमाम खबरों को साइड कर कर वो किस तरीके से चैनल की टीआरपी को बढ़ावा देते हैं। आप उनके दर्शक मत बनिए, ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप इनके दर्शक बने रहेंगे ये आपके हक अधिकारों को नज़रअंदाज करते रहेंगे और आप ये नहीं चाहते हैं कि जनता के ज़रूरी मुद्दे सरकार के कानों तक जाएं। हिमांशु मिश्रा को कोसने से पहले ज़रा ठहर जाइए, असल फ्रॉड उसने मीडिया वालों ने किया है। शायद पहली बार ये लड़का भैया जी कहन प्रतीक पटेल की रिपोर्टिंग में दिखा, मगर वायरल पॉडकास्ट शालिनी कपूर तिवारी ने किया। पढ़े समझे कैसे इसको रुलाकर उसके अपना चैनल करियर बना लिया। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों की आंख में धूल झोंकी जाती है, बड़े बड़े फेक थंबनेल देकर जनता को गुमराह किया जाता है, लेकिन जनता के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर ना बात होती है ना बहस होती है। और सोचिए सरकार से सवाल पूछने की तो किसी में भी हिम्मत नहीं है, कोई पत्रकार अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाना चाहता और किस तरीके से लगातार चैनलों पर बैठकर जनता को गुमराह किया जाता है। उत्तर प्रदेश से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, फिर से पेशाब कांड हुआ। सोचिए जातीय अहंकार में कुछ जातिवादी मनुवादी इस कदर चूर हैं कि आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी इंसान दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करने का काम करता है, सोचने में अटपटा लगता है। सोचिए किस ओर जा रही है हमारी समाज की ये व्यवस्था, हम इन तमाम मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते और इन मुद्दों पर जो बात करता है उसको जातिवादी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र में एक दलित युवक के साथ मारपीट करके उस पर पेशाब कर दिया, वीडियो वायरल होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य साथियों की भी तलाश जुट रही है। सोचिए लेकिन क्या एक सवाल तो खड़ा होता है सरकार पर भी और सरकार की इस व्यवस्था पर भी, क्या यही है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर? क्या पेशाब करने वाले व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या बाबा का बुलडोजर जाति और पार्टी देखकर चलता है? सोचिए अपराध मुक्त राज्य बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश को, अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री, और आज मन के बात को भी 10 साल हो गए, लेकिन जनता के मन की बात कब समझी जाएगी, जनता के मन की बात कब सुनी जाएगी, पता नहीं वो दिन कब आएगा। भाजपा के बिना हवा वाले टायर प्रशांत कुमार पांडे के गुर्गे गुंडों ने भाड़े पर बरगला कर लाए गए लोगों के सहारे आयोजित अपनी रैली में महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की, छेड़खानी कर अपने भाजपा याकाओं को कुसंस्कृति व्याकरण का मुजाहिरा कर अपनी असलियत बता दी। तो सोचिए कैसे बिहार में प्रशांत पांडे की
रैली थी और उस रैली में जातिवादी गुंडे किस तरीके से दलित महिला पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं। अगर आप इनसे सवाल करेंगे, इनकी कृतियों पर बात करेंगे, इनकी पोल खोलेंगे, इनसे पूछेंगे भैया आपके मैनोफेस्टो में विकास कहाँ है, आपके मैनोफेस्टो में शिक्षा पर बात कहाँ है, आपके मैनोफेस्टो में सुरक्षा पर बात कहाँ है, तो ये लोग बदतमीजी पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही टीआरपी को ऊपर करना हो तो ये आपको स्क्रिप्टेड रोने के लिए भी बोलेंगे, जिस तरीके से हिमांशु मिश्रा ने वीडियो में बताने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजू मौर्य ने अपनी बेटी कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ स्कूल बस ड्राइवर द्वारा की जा रही छेड़खानी और प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज की थी। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल ने 23 सितंबर को प्रधानाचार्य ने उन्हें ही डांट कर भगा दिया। इससे आहत होकर सोचिए वो छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर ली। ये है ST SC OBC बच्चों का हाल, न स्कूल में सुरक्षित हैं, सोचिए अगर उनके साथ अत्याचार होता है। इसकी शिकायत भी अगर जातिवादी प्रिंसिपल से करते हैं तो प्रिंसिपल अनसुना कर देता है। सोचिए किस तरीके से बच्चियों के साथ लगातार छेड़खानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में बरुआ सागर थाना क्षेत्र में नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 की 14 वर्षीय प्रतिभा भवान छात्रा अनुष्का पटेल ने सीनियरों की रैगिंग से परेशान, अब जब शिकायत की तो विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट से की तो सीनियरों ने उसके साथ गाली गलौज की, डराया धमकाया। अनुष्का पटेल ने माफ़ी भी मांग ली थी, सीनियर इस पर भी नहीं माने तो उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी। इससे आहत होकर अनुष्का पटेल ने आत्महत्या कर ली। तो सोचिए ये हालत है, कभी मौर्य, कभी पटेल, कभी दलित बच्चियाँ, कभी आदिवासी बच्चियाँ, लगातार इन तमाम मनुवादी जातिवादियों की शिकार हो रही हैं। इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता, या सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की वजह से इन तमाम खबरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। महिला पत्रकार के साथ धन सुराग पार्टी के गुंडे छेड़छाड़ की, बिहार के जाति विशेष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री छेड़छाड़ करने वाले गुंडों की जाति कब सार्वजनिक करेंगे, धन स्वराज वाले दिल्ली में बड़े स्व जातीय पत्रकारों का क्या मत है। तो RJD ने बड़ा ट्वीट किया, जिस तरीके से कल महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई, दाल से सस्ता दलित हो गया है अब। उत्तर प्रदेश में जंगल राज अपनी चरम सीमा पर इस सोनभद्र में जातिवादी कीड़ों के द्वारा एक दलित युवक ने मुंह में पेशाब कर दिया, पूरे शरीर को पेशाब से नहला दिया, फिर भी मन ना भरा तो बहरे में से पीटा गया। सोनभद्र की इस दर्दनाक घटना से पूरे दलित समुदाय में उत्पीड़न अत्याचार को उजागर किया गया। यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है। सोचिए जातिगत आरक्षण को खत्म करने की लगातार तमाम मनुवादी छाती पीट पीट कर नंगा नाच करते हैं, लेकिन जातीय उत्पीड़न किसी को नहीं दिखता, इसके लिए कोई जुलूस नहीं निकालता, कोई प्रदर्शन नहीं करता। सोचिए दलितों पर अत्याचार होता है, दलितों को ही बोलना पड़ता है, लेकिन आरक्षण को गाली देनी हो तो तमाम जाति के सर्व जातीय जो हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर बनने का काम करते हैं, वो किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हीं को उन्हीं से आरक्षण के खिलाफ गाली दिलवाने का काम करते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है किसानों की। सोचिए किस तरीके से पुलिस थाने के बाहर अपनी ही चिता बना दी एक किसान युवक ने। किसान ने थाने में ही अपनी सजा दी चिता। मेरठ में मलियाना गन्ना सहकारी विकास समिति के चुनाव में किस तरीके से किसान यूनियन का धरना जारी है। बुधवार को वृद्ध किसान दलवीर सिंह ने थाना कैंपस में ही उपले की चिता सजाई और उस पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार हिसाब किसान करने वाले हैं। और सोचिए दलित नेताओं को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा के बेटे के मामले में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाले किस बिल में छुप गए हैं, नाम पवन शर्मा। तस्वीर देखते जाइए, पता बगरू जयपुर, काम विधायक का फर्जी कार्ड बनाकर विधायक की गाड़ी बताकर मजे लूटने का काम कर रहा था। कल राजस्थान पुलिस ने शर्मा को फर्जीवाड़े में गिरफ्तार कर लिया। और सोचिए ये लोग किस तरीके से मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा का बेटा अपने दोस्तों के साथ किसी गाड़ी में घूमने चला जाता है तो इस पर छाती पीटने लगते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध समाचार, बदमाशों ने तमंचे से सहमी बैंक सुरक्षाकर्मी की बंदूक, 40 लाख रुपए की बड़ी लूट जो है बैंक से हो गई है। इससे अंदाजा लगाइए कि ना बैंक सुरक्षित है
ना देश सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना किसानों का भविष्य सुरक्षित है। आखिर सुरक्षित है तो है कौन? इन तमाम खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।